अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर वैज नज़ीर रॉयल वेटरनरी हॉस्पिटल बोसन रोड मुल्तान। आज आपके लिए एक और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस लाया हूँ। ये केस है बेसिकली मुर्गियों के अंदर जो इसकी उंगलियाँ हैं इनका मुड़ जाना। तो ये बेसिकली होता क्यों है इसकी काजिज़ मैं आपको बताऊँगा। तो ये होता है बेसिकली खुराक के अंदर मखसूस चीज़ें हैं जिनमें कुछ विटामिंस हैं उनकी कमी की वजह से। जब आप मुर्गी को खुराक देते हैं, अगर वो खुराक बैलेंस नहीं है, वो बैलेंस डाइट नहीं है मुर्गी की, तो उसकी कमी की वजह से ये मसला मुर्गियों के अंदर पेश आता है और ये फिर इसके साथ साथ चलता है जिसकी वजह से मुर्गियों को चलने में दुश्वारी का सामना है। तो ये होता क्यों है? तो ये बेसिकली मुर्गियों के अंदर विटामिन B2 जो राइबोफ्लेविन है उसकी कमी की वजह से होता है। ये जो राइबोफ्लेविन है ये मुर्गियों की खुराक में बेइंतहा ज़रूरी है, जिसे B2 भी कहा जाता है। ये जो है अगर इसकी कमी हो जाएगी खुराक के अंदर तो ये मुर्गियों के एपिथीलियम को भी मुतासिर करेगा। इसके अलावा जो है बहुत कुछ मेन नर्व्स हैं जिसे ये इफ़ेक्ट करता है। इन नर्व्स में शटिक नर्व्स है और शटिक नर्व के डैमेज की वजह से जो इसके टोज़ हैं वो कर्ल हो जाते हैं। और ये B2 की कमी की वजह से मज़ीद जो नुकसान है उसके अंदर अंडों में कमी वाक़ होती है इसकी जो प्रोडक्शन है उसमें, और जो अंडे हैं वो हैच नहीं हो पाते। इसके अलावा ग्रोथ जो है इसकी स्लो हो जाती है, और इसके अलावा मुर्गियों को जो है वो हरकत करने में चलने में दुश्वारी का सामना आता है। मसल जो है वो अपनी शक्ल बदल लेते हैं, मसल एट्रोफी हो जाती है और एम्ब्रियोनिक जो है वो इसमें डेथ भी हो जाती है। इसकी भी ट्रीटमेंट में यही है कि आपने इसको एक तो B1, B2, B6, B12 वगैरह की जो तो आती हैं अमूमन ये कंपोजिशन ये चलानी है जिसमें B2 लाजमी हो। इसके अलावा 100 mcg इसकी डोज़ होती है पर चिक पर डे, वो आपने इसको लाजमी चलानी है। और एडल्ट बर्ड में ये डबल कर सकते हैं डोज़ आप इसकी। इसके अलावा अर्ली स्टेज पे ये अनेबल टू ट्रीट होता है, जबकि लेटर स्टेज पे इसको डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रीट करना। सो अगर ये बीमारी आ जाए तो आप इसको अर्ली स्टेज पर ही ट्रीट कर लीजिए। फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।